जी, कैसे हो आप? हाँ जी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। हाय, मैं अवंतिका मिश्रा आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। मैं मुंबई में पिछले 4 सालों से हूँ। 2015 से मैंने अपना फिल्मी करियर स्टार्ट किया था और जब मैं मुंबई आई तो ऑब्वियसली बात है हर इंसान को छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं और मुझे भी आई, क्योंकि कहीं से भी आपको शिफ्ट होने में, नई चीज़ों की स्टार्टिंग करने में थोड़ी बहुत तो दिक्कतें आती हैं और यही दिक्कतें आपको कुछ ना कुछ सिखाती हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो नहीं करना पड़ा इंडस्ट्री के लिए, चीज़ें धीमे 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 मिलती गई और हर चीज़ समय से सही टाइम पर और सही लोगों से मुलाकात होती रही। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात रही। मेरा लक था कि मुझे अच्छे लोग ही मिले और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अच्छे होते हो तो ऑटोमेटिकली आपसे लोग अच्छे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं कानपुर से हूँ, यूपी में, छोटे से शहर से, किदवई नगर से। इसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई। दिल्ली में मेरी एजुकेशन जो भी हुई वो दिल्ली में हुई, आधी एजुकेशन मेरी कानपुर और आधी एजुकेशन मेरी दिल्ली में हुई, जिसमें मैंने कॉलेज करियर जो मेरा रहा वो दिल्ली में रहा। दिल्ली में ही मुझे दिमाग में कहीं से आया, कहीं से क्या, मेरा अंदर से कहीं ना कहीं मन करता रहता था कि मुझे एक्टिंग करियर में जाना है, एक्टिंग करियर में जाना है। तो हमेशा कभी फ्रेंड्स के थ्रू, कभी कॉलेज में शोज़ होते थे तो उसमें मेरा हमेशा एक्टिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ रहता था। तो माय टीचर्स वगैरह जो मेरे रहते थे वो मुझे हमेशा बोलते थे कि एक बार तुम एक्टिंग करियर में ज़रूर कदम आजमाना। तो मुझे लगता था, फिर मैंने थिएटर स्टार्ट किया। थिएटर मैंने JNU से किया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, एंड बहुत ही अच्छा योगदान रहा। और JNU में बहरूप थिएटर से मेरा स्टार्ट हुआ थिएटर करियर। मैंने बहुत सारे शोज़ किए, 4 से 5 साल मैंने थिएटर किया। फिर वहाँ से मुंबई के लिए मुझे ऑफर्स मिलना शुरू हो गए। जब मैं आई तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, समथिंग कुछ है जिसकी वजह से मुझे काम मिल रहा है। फिर मैंने कभी पीछे पलट के नहीं देखा, जो भी आता था मैंने अपना काम करना शुरू किया। और वैसे भी मुझे अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स करने में, अलग अलग तरीके का काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग इज़ लाइक समंदर, जिसका कि कभी कोई अंत नहीं है और जो भी आपके हाथ में आए और जो भी आपको कैरेक्टर अच्छा नज़र आए उसको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, उसके लिए आपको ज़रूर काम करना चाहिए। अभी हाल ही में मेरी 3 हिंदी फिल्में रिलीज़ हुई हैं, जिसमें कि ऑटो रोमांस इन मुंबई, 1 नाइट आउट एंड इंग्लिश की टाटा फिश, जिसमें कि मैंने आइटम नंबर किया है, ममता शर्मा जी के द्वारा गाया गया है ये सॉन्ग। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि उसे जी म्यूज़िक की तरफ से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। एंड नाउ अभी हाल ही में मेरी एक वेब सीरीज़ भी आ रही है, थैंक्स टू बालाजी, थैंक्स टू एकता जी, कि एकता कपूर की तरफ से मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जिसमें अर्ल्ड बालाजी की तरफ से गंदी बात सीज़न 4 में मैं आप लोगों को नज़र आऊँगी बसंती के कैरेक्टर में। आई सीरियसली मुझे इतना खूबसूरत लगा ये कैरेक्टर, तो मेरे मुँह से यही निकला कि वाओ, व्हाट इज, मुझे पहली बार बसंती जैसा काम करने का मौका मिलेगा। उनके रूप रंग पूरा स्टाइलिंग मुझे हेमा जी का दिया गया इसमें, तो मुझे बहुत ही खुशी मिली। थैंक्स टू सचिन जी, सचिन सर इज़ अ डायरेक्टर ऑफ गंदी बात, तो मैं उनको हमेशा दिल से ही थैंक्स करना चाहूँगी। उनकी क्रिएटिव टीम में नेहा जी ने बहुत ही सपोर्ट किया। आउटडोर था पूरा शूट और टेम्परेचर भी बहुत ही ठंडा था वहाँ का, अभी हाल ही में शूट किया हमने, तो एटलीस्ट 10 या 8 के आसपास का टेम्परेचर था। और फिलहाल मुंबई में यूज़ टू होने के बाद अब आउटडोर शूट करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो थैंक्स टू द प्रोडक्शन टीम ऑल्सो, शाश्वत सर एंड दिलसाद जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें हैंडल की आउटडोर में। मैंने देखा कि आउटडोर के शूट में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें एक्टर को प्रॉब्लम्स आती हैं आउटडोर्स में, एज एन फीमेल भी मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं आउटडोर में, लेकिन बट बहुत ही सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज की गई। मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती आउटडोर की, लेकिन सीरियसली मुझे बहुत मज़ा आया सचिन सर के साथ में काम करके, मुझे बहुत मज़ा आया नेहा जी के साथ में काम करके। लवली टीम, मैं हमेशा बोलूँगी कि टीम होनी चाहिए तो ऐसी कि आउटडोर में आपको ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं आया। एंड कैरेक्टर के बारे में, जहाँ तक गंदी बात के बारे में बात की जाए, तो आपने तो देखा ही है, सभी लोगों ने गंदी बात
पार्ट वन, सीजन टू, सीजन थ्री एक से बढ़कर एक धमाल मचा कर गई है मार्केट में. एंड आई रियली नो कि इस बार गंदी बात फोर भी कुछ अलग ही मसाला लेकर आ रही है आप लोगों के लिए और कुछ अलग ही धमाल मचाने वाली है इस सर्दी के सीज़न में. तो ज़रूर देखिएगा गंदी बात सीज़न फोर. एंड मैं नज़र आने वाली हूँ उसमें आपको समथिंग बसंती कैरेक्टर में. इट्स लुक लाइक और बहुत कोशिश की गई है कि आप सभी लोगों को एक मसालेदार मस्का चस्का काइंड ऑफ सभी लोगों का दिल लुभाने के लिए गंदी बात फोर को तड़केदार छौका लगाने वाले आप लोगों के बीच में हम नज़र आएंगे. तब तक के लिए मेरे चैनल को और मुझे सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करते रहिए मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को. एंड इसके अलावा मैं आपसे धन्यवाद, नमस्कार और मेरे साथ और मेरी जर्नी के साथ हमेशा जुड़े रहिए. और मैं आप सभी लोगों का, आप सभी दर्शकों का तहे दिल से एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और इतना ज़्यादा प्यार दिया.